investment in securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing past performance does not guarantee future return जय माता दी दोस्तों आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा एक मल्टी बैगर आई आईपीओ मल्टी बैगर आई से मेरा मतलब है ये आई गोइंग है मल्टी बैगर यानी कि मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है और साथ में ही एक दमदार लिस्टिंग गेन का एक प्रबल दावेदार है कंपनी का नाम है क्रेन्स एडवर्टाइजिंग एस सेगमेंट का ये आई है आई खुल रहा है बाईस तारीख को आईपीओ की पूरी डिटेल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा पास्ट में भी हमने देखा है कि ऐसे सेगमेंट के कई आई पी ओ मल्टीफोल्ड बीस गुना तीस गुना हुए उसके बाद मेन बोर्ड पर जाके लिस्टिंग हुई उसकी उसके बाद फिर फर्दर रिटर्न में इजाफा देखने को मिला तो इन सब गेंस का क्रे ऑन्स एडवर्टाइजिंग मुझे लगता है एक प्रबल दावेदार है और एक चीज़ बोलूँगा आपको जो दिखता है वो बिकता है क्रेऑन एडवर्टाइजिंग भारत की लार्जेस्ट होम ग्रोन इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड एडवर्टाइजिंग कंपनी है लार्जेस्ट से मेरा मतलब है लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्कफ़ोर्स नेटवर्क रेवेन्यू होम ग्रोन से मतलब है कि ओन्ड बाय लोकल बिजनेसमैन इंडिपेंडेंट से मतलब है कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंवेंस, नहीं है इंटीग्रेटेड से मतलब है ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ कंपनी का 27 साल का एकदम बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है और क्लाइंटेल देखें तो टाटा कजारिया बाबा ग्रुप फ्यू मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया एस बी आई आई कैसीओ जे एन के टूरिज्म सारी कंपनीज का नाम लेना मुमकिन नहीं है स्क्रीन पे आप नाम देख पा रहे हैं देखिए पहले पहले के जमाने में एडवर्टाइजिंग का मतलब होता था एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट एन इंटरटेनमेंट आज की डेट में इंटर्टेन्में एडवर्टाइजिंग का मतलब है इट्स अ ऑफर ड्रिवन प्रोडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका यूज कर रही हैं ये कंपनी ब्रांडिंग एंड प्रमोशन कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज का भी 2024 के इलेक्शन हैं लोकसभा के अगले साल एड्स स्पेंडिंग देखिए बढ़ेगी और सबसे खास बात क्या है इस आईपीओ की कि यहाँ पर भैया कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है प्रमोटर अपना माल नहीं बेच रहा है यहाँ पर सिक्सटी फोर पॉइंट फ्रेश इशू हो रहे हैं शेयर्स और पैसा यूज होगा कैपेक्स में इंफ्रा इंप्रूवमेंट में वर्किंग कैपिटल के लिए और ये सब चीजें स्ट्रेंथन करेंगी कंपनी को क्रेया एडवर्टाइजिंग भारत की ओनली एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसने अचीव करा है 200 करोड़ का रेवेन्यू एंड साढ़े बारह करोड़ का पैक इन नाइन मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 ट्वेंटी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन है वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सेगमेंट है प्रिंट टीवी एंड रेडियो से रेवेन्यू आता है फोर्टी का आउटडोर एंड एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आता है सत्रह का डिजिटल से रेवेन्यू है दस परसेंट का इवेंट मैनेजमेंट से रेवेन्यू है दस परसेंट का क्रिएटिव एंड आर्ट वर्क से रेवेन्यू है फोर्टीन परसेंट का और कुछ अगर आप बड़े इवेंट्स देखें जो इस कंपनी ने मैनेज करे हैं इंटरनेशनल रोड शो गोवा टूरिज्म का मैनेज करा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कुंभ मेला की ओपनिंग सेरेमनी थी 2019 की वो भी इन्होंने मैनेज करी ग्रैंड केरला शॉपिंग फेस्टिवल थ्री साल कंटिन्यूसली इन अ रो रोड शो जो थे इसके वो इन्होंने भारत और अब्रॉड मैनेज करे और कंपनी प्रमोटेड बाय है कुनार ललानी जी जिनके पास पैंतीस साल का एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वेटरन हैं और रिपीट कर रहा हूँ आईपीओ के बाद प्रमोटर की जो स्टेक है 73.4 परसेंट है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है तो मुझको ऐसा लगता है कि आई पी आगे चल के मल्टी बैगर मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है अब आप में से कुछ लोग उठेंगे कहेंगे ऐसे मई का आई पी ओ रिकमेंड कर रहे हैं भैया है, मैंने सोच समझ के पढ़ लिख के रिकमेंड करा है और ऐसे ही हुआ था जब मैं यूट्यूब पे आया था और मैंने पहला स्टॉक सस्ता सुंदर वेंचर रिकमेंड किया था पैसठ सत्तर रुपए के अराउंड मल्टी बैगर मल्टीफोल्ड रिटर्न वहां भी देखने को मिली है बट एक चीज बोलूंगा नथिंग इज रिस्क फ्री इन दिस स्टॉक मार्केट एंड सेकेंडली पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस मेरी यहाँ पर सब्सक्राइब यानी कि अप्लाई की, की राय है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने मुझको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब मी और अगर आपको मेरा ये कंटेंट मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो और अंत में दोस्तों अपना प्यार और स्नेह यू ही बनाए रखिए फिर मिलेंगे थैंक यू